कांटाफोर से नाचनमोर मार्ग पर सिंगौड़ी से गोदना के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त हो चुका था। पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को ग्रामीणों की मांग पर राजधानी तक चैनल के सतवास रिपोर्टर हरिओम तिवारी द्वारा प्रमुखता से उठाया गया था। इस संबंध में जब गुरुवार को ग्राम पंचायत रघुनाथ नायक एवं ग्रामीणों से चर्चा की गई तो उन्होंने पुल के दुरुस्तीकरण का काम शुरू होने पर शासन तथा निर्माण कार्य एजेंसी के साथ ही जनहित के मुद्दे को प्रकाश में लाने के लिए शब्दों के माध्यम से पत्रकार हरिओम का धन्यवाद ज्ञापित किया। उल्लेखनीय है कि पुल विगत 15 दिनों से क्षतिग्रस्त हो चुका था। पुल का ऊपरी हिस्सा दब चुका था, वहीं निचले हिस्से में सीमेंट कंक्रीट से अलग होकर सरिये बाहर निकल चुके थे। यहां पर बड़ी दुर्घटना होने की संभावना भी थी। गुरुवार को इस पुल पर दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। सतवास से हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। मैं भजन पटेल, ग्राम सिंगोड़ी का, और हमने जो सूचना दी थी पत्रकारों को, हरिओम तिवारी को, तो जब से हमारा काम है यहाँ पे, ये पुले का जो द्राड पड़ी थी उस पर चालू हुआ, और चालू होने के बाद हम ग्रामीण लोग बहुत खुश हैं। नहीं तो कभी रोज बहुत बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए हम हरिओम तिवारी को धन्यवाद मानते हैं। मैं ग्राम पंचायत गोदना का सरपंच रघुनाथ नायक बोल रहा हूँ। यहाँ पर दरार हुई थी तो हमने पत्रकार हरिओम तिवारी से बोला और ये दरारें दिखाई, और दरार दिखाने के बाद फिर शासन तक ये दरारें का वो पत्रकार द्वारा ये सूचना मिली, उसके बाद ये काम चालू हो गया और आज काम चल रहा है।